सारी संभाला और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, बहुत प्यारा से वापस जाने से मिल रहा है। मोनू जी, सबसे पहले आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और विशेष मौका है कि जन्मदिन भी मना रहे हैं और आपका गाना भी रिलीज हुआ है, बधाई के साथ साथ गाने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गाना बहुत ही प्यारा है, सुंदर है, असली मूड है। सबसे पहले जो हम लोग हमेशा से चर्चा करते हैं कि असली मूड में भोजपुरी में क्यों फैल रहा है, और सबसे ज्यादा खुश हूँ कि हमारे साथ बहुत अच्छे गीतकार सुदिया सोरा मणिपिया बैठे हुए हैं, जो फिल्म के खेसारी जो स्टाइल में गाना लिखे हैं, नाचे है बदलवा, बहुत सुपर सुपर हिट हुआ है। आज जो गाना रिलीज हुआ है सोम्या फिल्म से, वो भी इन्हीं का लिखा हुआ गाना है, खेसारी संग वाला, तो दिल से इस गाने के लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गाना है। बैक टू बैक आपके जो भी गाने आए हैं वो काफी हिट रहे हैं और हर सीजन में ब्लॉकबस्टर सॉन्ग भी बनाए, लग रहा है आज जो रिलीज हुआ है उसी तरह से ब्लॉकबस्टर होगा। मेरे आने वाले गाने जितने भी हम रिकॉर्ड किए हैं सब काफी अश्लीलता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही सुंदर सुंदर गाने। एक मेरा गाना और अभी चल रहा है कि किराना स्टोर पिया, गाँव ही में खोल ली किराना स्टोर पिया, काहे खातिर जाता नहीं कमाए बंगलोर पिया, ये भी बहुत सुंदर गाना है मेरा, एकदम अश्लीलता हूँ। और विशेष थैंक्स मैं श्री पिताजी को देना चाहता हूँ, कितना अच्छा गाई उन्होंने, और हमारे वंडर वर्ल्ड के मालिक अजय भैया जिनके चैनल से गाना रिलीज हुआ है, और मैं शुक्रगुजार हूँ काजल दास जी का भी इतना उस गाने के लिए, वीडियो डायरेक्टर पंकज सोनी भैया का, जितने भी हमारे आगे पीछे काम करने वाले, हमारा पूरा टीम, हमारा भोजपुरी समाज, सबको दिल से प्रणाम। को दो लाइन गा के हमारे को बताएं कि वो पंचलाइन सुने तो आगे गानों को जाके टच करें। का कर जाए बंगलोर पिया, का कर जाए कमाए बंगलोर पिया, गांव ही में खोल ली किराना स्टोर पिया, गांव ही में खोल ली किराना स्टोर पिया। ये बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही सुंदर गाना है और बहुत प्यारा सा बात लिखा है। सबसे पहले तो मैं विशेष थैंक्स अजय भैया को देना चाहता हूँ, उनके पूरे टीम को देना चाहता हूँ, मुझे इतना प्यार करते हैं, और जब भैया यहाँ पे मौर्या लोक में आए तो मुझे फोन आया, मैं गया और भैया के साथ मैं, उनका टाइम उनके पास नहीं था क्योंकि उनका 22 तारीख पहले गाने का लॉन्चिंग है आईपीएल में लखनऊ में, तो टाइम नहीं था, तो भैया बोले कि बाबू मैं नहीं रहूँगा, यही पे केक हम लोग काट लेते हैं, तो बड़ा ही प्यारा आशीर्वाद मिला केक काटे, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत खुश थे, बोले वीडियो में तो बोले हैं इधर के चपले रहा गर्दा उड़ोले रहे एकदम, ट्रेनिंग में तो हर गाना चला था, वाकई में 8 लाख क्रॉस रील बन चुका है, बहुत ही प्यारा आशीर्वाद उस गाने से मिल रहा है। देखिए गाना अपना अपना पसंद होता है, कहेंगे कि आप चंद्र जी के कहे मान हनुमान जी के कहे नहीं मानते हैं, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अपना अपना सबका पसंद है। खेसारी लाल यादव बड़े भैया का फैन जितने भी हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, कौन भैया को भी मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, उनका भी गाना मैं शुरू से सुन के बड़ा हुआ हूँ, ऐसा कोई मतलब नहीं, लेकिन सबका डिमांड होता है, शुरू से गा रहे सब पसंद कर रहे हैं, हमारा भोजपुरी में जो जितना ज़्यादा पसंद रहता है उसी को लोग ज़्यादा करते हैं। खेसारी लाल यादव की कॉपी राइट तो है डांस वाला, उस पर तो गाना निकाल दिया आपने, कहा कि उनके गाने से फॉलो करता हूँ, तो आप ऐसा गाना बनाइए कि गावा ये बोलो कौन है स्टाइल से ऐसा गाना नहीं बनाएगा ना, ऐसा तो कुछ अभी सोचे नहीं है, लेकिन कोई कोई देखिए वैल्यू भी नहीं है, इसी गाने का बहुत ज़्यादा कॉपी हो गया है, नाचे बदल मनी रघुआ स्टाइल में, नाचे बदल मनी कमल स्टाइल में, तो उम्मीद करते हैं कोई ना कोई सुधार ही देंगे। गा दीजिए ये तो प्यार है पब्लिक का, और मेरा लक्ष्य उनके साथ जुड़ा हुआ है कि जो भी उनके नाम का मैं गाना गाता हूँ, काफ़ी हिट होता है, 100 मिलियन गाना क्रॉस हो चुका है, फिल्म देखा के सारी जी काफ़ी पॉपुलर हुआ था, उसके बाद नाचे बलमा के सारी स्टाइल में भी गाना काफ़ी चल रहा है, उसके बाद एक गाना आज रिलीज हुआ है खेसारी संगवाना, बहुत ही प्यारा सा गाने भी अच्छा खासा चल रहा है सोम्या फिल्म से, और बहुत ही जल्द रियान म्यूजिक से भी हमारा गाना आने वाला है, उसको भी हम लोग बहुत आशीर्वाद कर दीजिए। एक सवाल मेरा उनसे रहेगा, तो उसे हम लोग प्रोड्यूस और गाना गाएंगे, बैक टू बैक रिलीज होते जाएगा। अच्छा,
सवाल सेट से रहेगा। अजय जी से, क्वांटम वर्ल्ड के से आपका जो सॉन्ग था काफी प्यारा रहा, और जिस तरह से मोनू जी ने गाया काफी पिक रही भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। क्या तैयारी कर रहे हैं कुछ उसका पार्ट टू लाने के, उससे बेहतर की तैयारी है कि इस लगन में एक और बड़ा हिट देंगे आप? दूसरा खेसारी लाल यादव जी का बहुत बड़ा गाना आ रहा है आईपीएल के ऊपर, भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार कोई स्टार स्टेडियम में जाके उसको गाने को रिलीज करेगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए भोजपुरी इससे बड़ा अगर जितना अच्छा भोजपुरी में इससे बड़ी और कुछ हो नहीं सकती है। जब भैया का एक फिल्म रिलीज हुआ ना संघर्ष टू, उसमें काफी चर्चा हुआ था, एक गजब का टेलर था, टीजर था, वो सबसे अलग हटके भोजपुरी से। अगर भोजपुरी हमारा साउथ अंदाज में अगर काम करे तो एक बहुत ही गर्वान्वित की बात है, भोजपुरी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो कल जो गाना रिलीज हो रहा है भैया का इतने बड़े लेवल पर, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि भोजपुरी गाने आईपीएल में बजेंगे, भोजपुरी कमेंट्री जो होगा आईपीएल में होगा, तो ये हमारे लिए पूरे भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। आपके बर्थडे में पंडित गिरी जी आइए, उनके बारे में क्या बताइए? ये हमारी बहुत ही अच्छी मित्र है और हम लोग साथ में काम भी किए हैं, बहुत ही अच्छा बोलबम का गाना बहुत ही अच्छा प्यारा था, इनका स्वागत अभिनंदन है आज के दिन। क्या कहना चाहिए? अच्छा दो लाइन लोग बोल ली हमारे बारे में, बोल दे दो लाइन आज रिलीज हुआ है, आज मैं सुना देता हूँ ना, आप सुन लेंगे। हनीमून का से मिले के बड़ी कोनी लमन माना, किए को फोटो किए को फोटो खींचा सजनवा खेसारी संगवाना, किए को फोटो खींचा सजनवा खेसारी संगवाना। ये बहुत ही प्यारा सा गाना है, विशेष थैंक्स मैं देना चाहता हूँ उसके म्यूजिक डायरेक्टर विकास यादव जी को, वो भी यहाँ उपस्थित है, और हम लोग पूरा टीम जितने भी काम कर रहे हैं आप उपस्थित, जितने भी हमारी आदत रही है बड़े भैया जो भी आए हैं सबको दिल से प्रणाम। दर्शक हमें उम्मीद करते हैं, आप विवाह उम्मीद करते हैं हमसे, नहीं आपसे दर्शक कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ जितने भी मुझे चाहते हैं प्यार करते हैं, छोटा सा प्यारा सा नाम मेरा रखे हैं सब स्टाइलिश सरदार, तो मैं आजीवन बुढ़ापे तक इसको मेंटेन करके रखूंगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है एक अलग लुक एक अलग अपना पहचान लेकर के। जितने आप लोग प्यार हमारे जो मीडिया जो भगवान जैसे पूरे यहाँ पर उपस्थित हैं बहुत सारे लोग, एक बार मैं प्रणाम के सबको लेकिन यहाँ से मैं प्रणाम करता हूँ, मैं मुझे गर्व है, मुझे गर्व गर्व होता है कि आप जैसे इतने सारे हमेशा हर कलाकारों को सपोर्ट करते हैं, हमेशा हर जगह पहुँचते हैं, उनकी हर खबर को हर सुख दुख को आगे की ओर ले जाते हैं, तो सबको दिल से लव यू, और जितने भी हमारे भगवान जैसे जनता है श्रोता है सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और बर्थडे में जो भी हमको विश किए, इतना ज़्यादा पोस्ट किए, रील्स स्टोरी लगाए, कमेंट्स किए, सबको दिल से